दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी लाइब्रेरी मुझे यही लगती है। मेन जो रश होता है वो यहीं पे होता है, मतलब इस पेड़ के नीचे गौरी खान को शाहरुख खान ने प्रपोज किया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डीके व्लॉग्स। मैं हूं ध्रुव किशन और आज मैं आया हूं हंसराज कॉलेज। तो आज मैं करने वाला हूं हंसराज कॉलेज का टूर। यहां पे देखेंगे कि मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट है और यहां पे क्या क्या होता है, सब चीज़ जानेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहना और देखते रहना कि शाहरुख खान के कॉलेज में भाई क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ पे मौज मस्ती है। तो चलो चालू करते हैं। और कॉलेज के अंदर घुसते के साथ ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है साइंस ब्लॉक और यहीं पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, चलिए आइए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे हम लोग आते हैं तो ये यहाँ पे है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ये थोड़ा सा सेपरेट एरिया है, मुझे देखने में अच्छा लगा। और ये साइंस ब्लॉक है पूरा, ये पूरा साइंस ब्लॉक है। हाँ, तो ये आप पूरा जो एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे साइंस ब्लॉक है और यहाँ पे मैथमेटिक्स डिप क्लासेस लगते हैं ये इस वाले एरिया में। तो साइंस ब्लॉक पीछे देख लिया आपने और इस मेन एंट्री करते के साथ ही सामने ही पड़ता है हमारा बॉटनी लैब्स। जैसे कि आपने पीछे से एंट्री करी मेन गेट से और इसके सामने ही आपको पड़ेगा बॉटनी लैब्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नीचे जो भी है यहाँ पे बॉटनी लैब्स है, ऊपर कंप्यूटर क्लासेस लगती हैं और बाकी जो आर्ट्स क्लासेस होती है ना, आर्ट्स कोर्स की जो भी क्लासेस है वो कुछ ना कुछ ऊपर लग जाती हैं। और बाकी जितने भी आर्ट्स कोर्स की क्लासेस हैं वो एक जगह फिक्स नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट क्लासेस फिक्स नहीं है। कभी वो कहाँ पे क्लासेस जाती हैं, कभी कहाँ पे हो जाती हैं, तो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो बॉटनी लैब्स की जो क्लासेस है वो थोड़ी सी फिक्स है क्योंकि वो आप लैब को तो इधर से उठा के उधर नहीं ले जा सकते, इसलिए जो आर्ट्स क्लास है वो सारी इधर से उधर हो जाती है। तो ये है फेमस वॉल, ये पूरी की पूरी है। इसमें देखो हाँ, शाहरुख खान है और भी बहुत सारे नेता वेता स्कॉलर वगैरह हैं। तो ये फेमस वॉल है, यहाँ पे जब भी आओगे तो इसको बच्चे देख के यहाँ के स्टूडेंट अपने आप में गर्व महसूस करने लग जाते हैं। और इसके नीचे ही सामने आप देख रहे हैं प्रिंसिपल रूम, ये प्रिंसिपल रूम है और इसके पीछे ही आप देखेंगे एडमिन ऑफिस। अभी हम जा रहे हैं एम्फी थिएटर, अभी मैंने आपको पीछे दिखा दिया, देखो वॉल नजर आ रही है ना, वॉल से सीधा ही आएंगे तो सामने एम्फी थिएटर पड़ता है और पीछे पीछे साइड साइड में गार्डन दे रखे हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ एम्फी थिएटर, ठीक है। एम्फी थिएटर का ताला लगा रखा है लेकिन बाहर से दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरह का यहाँ का एम्फी थिएटर, ये इनका एम्फी थिएटर है और इस टाइम ताला लग रहा है यहाँ पे। अब एम्फी थिएटर जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देता हूँ, एम्फी थिएटर मतलब ओपन मंच, यानी कि यहाँ पे जैसे कि ऑडिटोरियम नहीं मिलता है, अभी मैं आपको ऑडिटोरियम भी दिखा दूंगा, ओपन माइक इवेंट्स। हाँ, अगर ऑडिटोरियम नहीं मिलता है तो ओपन मंच है यहाँ पे, मतलब कि अपने आप आइए कोई भी कार्यक्रम करिए, मतलब कि पहले परमिशन लेनी पड़ती है फिर उसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम कर सकते हैं अगर ऑडिटोरियम नहीं मिलता है तो। ये अच्छा है, यहाँ पे झिझक लोगों की खुलती है, ठीक है। फेमस वॉल्क से जब हम यहाँ पे आते हैं तो मेन एरिया हंसराज का मुझे ये लगता है, जो इस एरिया में वाइब आती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। मेन जो रश होता है वो यहीं पे होता है, मतलब कि पूरी पूरी छाया रहती है और जब गर्मी के माहौल में यहाँ पे ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा चलती है छाया में, तो वो नेक्स्ट लेवल होता है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर आराम करते हैं। हाँ, और आजकल यहाँ पे डिस्प्ले, वो पीछे देख रहे हैं ना, ये डिस्प्ले भी लगा दिया है तो इंटरटेनमेंट तो पूरी तरह से यहाँ पे हो जाता है, कमी नहीं। हाँ, तो अभी मैं आपको यहाँ की लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। जो मैं आपको मेन एरिया दिखा रहा था इसके बगल में सामने है लाइब्रेरी और ये लाइब्रेरी सही में बहुत बढ़िया है, पूरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी लाइब्रेरी मुझे यही लगती है। लाइब्रेरी वाली एरिया से जब भी इस साइड आते हैं तो सामने यहाँ पे एडमिन ऑफिस वगैरह मिल जाता है, सारी एडमिन विंडोज है, इसके सामने ही हमें ऑडिटोरियम मिल जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का ऑडिटोरियम। यहाँ का ऑडिटोरियम सही है, मतलब कि ज़्यादा कुछ वैसा खास नहीं लेकिन ठीक ठाक है। तो देखने में बाहर से कुछ ऐसा ऑडिटोरियम दिखता है, देख लो पूरी वॉल वगैरह सब ऐसा कुछ है ऑडिटोरियम देखने में बाहर से। तो ऑडिटोरियम के शॉट्स मेरे पास पहले से, मतलब कुछ वीडियोस पड़ी थी तो वह मैं डाल दूंगा अगर मेरे पास होगी तो हंसराज की, और बाकी देख लेना अब ठीक ठाक है, मतलब कि ठीक है। और अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज सही में बहुत अच्छा है भाई, और रैंकिंग की बात करूँ तो रैंकिंग अच्छी आती है इसकी, और आपने देख ली होगी रैंकिंग तो रैंकिंग तो देख ही ली होगी। और असलियत है यहाँ की वाइब, इम्पॉर्टेंट बात सही बताऊँ तो मुझे वाइब बहुत अच्छी लगती है। गिटार हो गया और गिटार वगैरह हो गए यहाँ पे नॉर्मल है, हर चौथी जगह गिटार बजाना और म्यूज़िक रग रग में है यहाँ पे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शाहरुख खान ने गौरी को प्रपोज किया था, प्यार कर ओ हो हो प्यार कर। मैं आपको वो दिखाने वाला था कि जहाँ पे गौरी खान को शाहरुख खान ने प्रपोज किया था वो एरिया, वो पेड़ ये रहा, लेकिन वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसकी वजह से ये सब, मतलब कि इसको कवर कर रखा है इसलिए शायद वो ना दिखा पाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो। इस पेड़ के नीचे गौरी खान को शाहरुख खान ने प्रपोज किया था और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप मेरे पीछे, ये वाली बिल्डिंग जो बन रही है
यहाँ पे लाल सिंह चड्ढा की मूवी के कुछ शॉट्स रिकॉर्ड किए गए थे, मतलब कुछ वीडियो कुछ पिक्चर यहाँ पे शूट हुई थी। जो आप ये देख रहे हैं ये है इनकी कैंटीन। तो मेन बात ये है, अगर आप कैंटीन में बैठ रहे हैं तो आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे ऑर्डर, मतलब कुछ ना कुछ ऑर्डर लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको कैंटीन में बैठने नहीं देंगे। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये है सी ब्लॉक, पूरा का पूरा सी ब्लॉक है। और ऐसा माना जाता है कि पूरे कॉलेज में सबसे अच्छी बिल्डिंग सी ब्लॉक को ही माना जाता है ना। ये पूरे कॉलेज में सबसे अच्छी बिल्डिंग यही है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक से ज्यादा। हाँ, और सी ब्लॉक के सामने ही है ग्राउंड, और ग्राउंड बहुत बड़ा है, मतलब ठीक ठाक है कॉलेज के हिसाब से। और कॉलेज ग्राउंड के सामने ही है बॉयज हॉस्टल और एक यज्ञशाला है, वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात कि कॉलेज के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी है, मतलब कि क्लासरूम जो भी लिखा होता है, ये क्लासरूम है, ये वो सब हिंदी में है भाई, प्रॉपर हिंदी में, क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल हिंदी बैकग्राउंड से। जैसे कि दूसरे कॉलेज में जाओगे तो प्रॉपर लिखा होता है क्लासरूम, यहाँ पे लिखा है कक्षा नंबर एक, कक्षा नंबर दो। वाओ। और अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है यज्ञशाला, यहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है, मतलब पूरा पारंपरिक तरीके से जो भी चीज़ होता है ना यहाँ पे दिखाया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे है, अभी आपको ताला लग रहा है लेकिन घुसघस आके। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है यज्ञशाला, इस टाइम बंद है लेकिन मैं फिर आपको कभी दिखा दूंगा। तो यज्ञशाला से जब हम इधर आते तो सामने पड़ता है बॉयज़ हॉस्टल, और बॉयज़ हॉस्टल सही में बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा शांत है। तो बस ये वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत टाइम हो गया आप सब्सक्राइब नहीं करते, देख देख के चले जाते, फ्री में नहीं देखना, सब्सक्राइब करके जाओ। बाय।